सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के कैंप के लिए सिमडेगा जिले के 4 सहित झारखंड के हॉकी खिलाड़ी आमंत्रित किए। 27 दिसंबर से बेंगलुरु में आयोजित भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए वर्षों बाद एक साथ सिमडेगा के 4 सहित झारखंड के 6 महिला हॉकी खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। सिमडेगा और झारखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 6 खिलाड़ियों में ओलंपियन सलीमा टेटे, पूर्व से जूनियर इंडिया टीम में शामिल संगीता कुमारी और सुषमा कुमारी है। साथ ही 2016 में जूनियर एशिया कप में भारतीय टीम के गोलकीपर रही सिमडेगा के अल्फा केयर कट्टा शामिल है। इनके अलावा ओलंपियन निक्की प्रधान खुटी जिला की है तथा रांची की रीमा बाखला है, जो किसी कैंप में पहली बार चुनी गई। इनका कैंप 27 दिसंबर 2021 से लेकर 28 जनवरी 2022 तक आयोजित है। इस कैंप में विभिन्न राज्यों से कुल 60 महिला हॉकी खिलाड़ी आमंत्रित किए गए हैं। इन सभी खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर चलेगा और 12 जनवरी को इनका एक ट्रायल लिया जाएगा। उसमें से बेस्ट 33 खिलाड़ी चयन कर उन्हें सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए कोर ग्रुप में रखा जाएगा। सिमडेगा के 3 सहित झारखंड के 5-5 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन एक साथ होने पर हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष सह हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी, हॉकी सिमडेगा के कमलेश मांझी, प्रतिमा बर्वा, एल्सन कीड़ो, सुनील तिर्की, अंकरा सियुस्टोपो आदि लोगों द्वारा बधाइयां दी गई। वहीं हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबी ने कहा कि एक दशक से भी अधिक समय के बाद सिमडेगा जिले के 4 सहित झारखंड के 6 खिलाड़ियों का एक साथ भारतीय सीनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय कैंप के लिए चयन किया गया है। अखंड भारत न्यूज के लिए धनुर्जय सिंह की रिपोर्ट, सिमडेगा।